यस आज का जो अपना लेक्चर रहेगा ये कंटिन्यूएशन में है। जैसे प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसमें वाइब्रेटिंग एयर कॉलम पर हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक पैरामीटर या एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, दैट वी कॉल एज एंड करेक्शन। व्हाट वी डिस्कस्ड वाज how the different possible modes of vibration are going to be formed. Open-ended pipe है या pipe close at one end है तो कौन कौन से modes of vibration possible होंगे, कितनी harmonics बनाई जा सकती है, और उसका एक sequence हमने कल देखा था और साथ ही साथ कुछ simple question भी किए थे। अब आज का जो lecture है अपना ये एक experimental evaluation पर है, about end correction। छोटा सा लेक्चर मैं प्लान कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बट हाउएवर इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। कोई भी एक पाइप या एयर कॉलम का अगर हम कंसिडरेशन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट बताया आपको कि मैंने पाइप क्लोज एट वन एंड ले लिया, ठीक है, और डिस्क्रिप्शंस ये हैं कि इसकी एंड ऑन एंड लेंथ ज्योमेट्री के हिसाब से जो इसकी लेंथ है वो एल है। अब आपने बोला भाई इसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का वाइब्रेटिंग मोड बनाओ, तो इसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेटिंग मोड को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि जो ओपन एंड है वहां पे हम एंटी नोड बनाते हैं और जो क्लोज एंड होता है वहां पे हम लोग नोड बनाते हैं। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन, बट इन प्रैक्टिकल जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या इस तरीके का कोई पाइप या एयर कॉलम अगर हम वाइब्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये जो एंटी नोड का फॉर्मेशन है ना, ये एग्जैक्टली एज पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स काफी फ्री हैं वाइब्रेशन के लिए, तो यहाँ वाइब्रेशन एयर के मॉलिक्यूल्स में हल्का सा ऊपर तक ट्रेवल करने लगता है, ओके, और ये एंटी नोड जो है ये थोड़ा सा और ऊपर तक अपने पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ओके, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, और इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये ओपन एंड है और ओपन एंड रहने की वजह से क्या होगा कि वाइब्रेशन थोड़े से ऊपर मानो जैसे छलक रहे हैं, ओके, जैसे एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, आपने उस ग्लास को ऐसे शेक किया तो थोड़ा सा पानी कैसा ग्लास की एज से ऊपर छलकता है, वैसे ही ये जो एंटी नोड के वाइब्रेशंस हैं ये हल्का सा थोड़ा सा बहुत ही लिटिल मैग्नीट्यूड के हिसाब से एज ऑफ द ट्यूब के ऊपर आ जाते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो जो गैप हम मेजर करते हैं नोड और एंटी नोड के बीच का, वो तो पूरा पूरा जहां तक एंटी नोड है, यानी कि यहां तक एंटी नोड है और यहां नोड है, ये गैप हम मेजर करेंगे और इसे हम कॉल करेंगे लैम्डा बाई फोर। बट यहां इस तरफ का जो मेजरमेंट है लेंथ का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमको यहाँ पे मेजर करना पड़ रहा है, ये जो रेड लाइन मैंने बनाई, इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हम कॉल करते हैं ई, यानी के एंड करेक्शन, ओके, इट्स अ करेक्शन टू बी मेड एट द एंड ऑफ द पाइप, इसलिए इसका नाम है एंड करेक्शन। अब मैथमेटिकल इवैल्यूएशन अगर मैं करने लगता हूं तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा ना, एल प्लस ई is equal to lambda by 4। अब previous पूरा lecture देख लीजिए, उसमें हमने e का कोई parameter use नहीं किया था, हमने सीधे सीधे ऐसे लिखा था l is equal to lambda by 4। तो यहाँ ये जो extra हमको distance measure करना पड़ रहा है या जो extra distance यहाँ vibration की वजह से आएगा, उस distance को, उस length को हम call करेंगे end correction। तो simply थोड़ा सा यहाँ evaluation करने पर, rearrangement करने पर हमें मिलेगा 4 times of l plus e is equal to lambda। Now going back to the same situation, v is equal to n lambda. Therefore, fundamental frequency is equal to v by lambda, and we will be getting n is equal to v divided by. आप notice करो यहाँ हमको equation मिलती है l plus e. अब कल का जो या previous जो lecture था हमारा, उस lecture में हम जो formula बना रहे थे, आपको याद होगा वो formula कुछ इस तरीके का बन रहा था, v divided by 4l. Am I correct? थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे तो हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर का करेक्शन करना पड़ेगा, E, that we call it as end correction. Similarly,
आप ये कहते हैं कि सर अगर दोनों एंड्स ओपन हैं पाइप के, ओके, बोथ द एंड्स आर ओपन लाइक दिस, तो इन सब सिचुएशन में एंड करेक्शन कैसे निकालें? तो बेटा सिंपल है, अगर हम ये कहते हैं कि पाइप की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो एल है लाइक दिस, तो आप फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जब बनाओगे तो आप फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कुछ ऐसे बनाते हो, पाइप ओपन एट वन बोथ द एंड्स के लिए, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डिस्क्रिप्शन आप ऐसे करते हो। तो ये जो एंटी नोड ओपन एंड्स पर बन रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाएंगे। अब क्यों बाहर आते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स काफी फ्री हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स फ्री रहने की वजह से हल्का सा एंटी नोड ऐसे बाहर छलक करके मानो जैसे आ गया है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ बाहर आएगा नीचे वाले एंड पर, और थोड़ा सा पोर्शन एंटी नोड का यहाँ ऊपर वाले पोर्शन पे या ऊपर वाले एंड पे बाहर आ जाएगा। अब बेटा डिस्टेंस आप गिनोगे तो यहां से लेके यहां तक आप डिस्टेंस का क्राइटेरिया लगाओगे, नोड से लेकर के एंटी नोड, एंड यू जस्ट क्लेम दिस एज लैम्डा बाय 4, एंड देन अगेन नोड से लेके एंटी नोड पूरा डिस्टेंस आप मेजर करोगे, यू विल कॉल दिस एज लैम्डा बाय 4। बट टेक्निकली हमको यहां पर एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा ई, और यहां नीचे की तरफ भी आपको एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा ई, विच मेक्स 2 टाइम्स ऑफ ई, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा बनेगा, एल प्लस ई प्लस ई, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, दोनों के एंड करेक्शंस को हमें काउंट करना है, इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, ठीक है, सो दैट विल बिकम एल प्लस 2ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 2ई। अगेन वी गो बैक टू द सेम कैलकुलेशन, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा, देयरफॉर एन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू वी बाय लैम्डा, therefore in such situation we may write v divided by 2 times of l plus ध्यान दें 2e। तो अगर दोनों ends open हैं तो obvious बात है हमें correction भी दो बार करनी पड़ेगी, यानी कि 2e का factor correction में आएगा, और अगर single end open है तो correction हम एक बार करेंगे, that is e का factor एक बार आएगा। तो जो generalized हमारे formula थे theory के हिसाब से both the ends open, उसके लिए तो हमने कल ऐसे बनाया था, अब देखिए इसका मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे हो गया और इस वाले फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे हो गया। सो एंड करेक्शन की प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो हमें फॉर्मूलेज ऐसे लिखने पड़ेंगे। अब ये ठीक है, ये बात समझने में या थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करने में काफी ठीक है, अच्छी बात है, चलो गुड। द क्वेश्चन प्रसिस्ट इन माइंड कि ये एंड करेक्शन हम निकालें कैसे। अब हमें ये एंटी नोड दिखता तो है नहीं है कि भाई कितना ऊपर गया है, तो चलो भाई स्केल विस्केल लगा के हम एंड करेक्शन का उतना पोर्शन, प्रोजेक्टेड पोर्शन ऊपर जाके मेजर कर लेते हैं, ये दिखता तो है नहीं हमको, तो हम इस एंड करेक्शन को मेजर कैसे करें? तो याद रखिए इस एंड करेक्शन को मेजर करने के तीन मेथड्स हैं, तीन अलग अलग तरीके हैं, ओके। पहला मेथड या फर्स्ट अप्रोच मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो पाइप है वो कुछ इस तरीके का है, जिसके अंदर की एयर कॉलम को हमने इस्तेमाल करना है। अब ये पाइप क्लोज एट वन एंड या ओपन एंड बोथ द एंड्स कैसे भी आप दिखाओ, तो बेटा ऑब्वियस बात है इस पाइप का कुछ रेडियस होगा और उस हिसाब से इस पाइप का कुछ डायमीटर भी होगा। तो जो सबसे पहला तरीका है एंड करेक्शन को आइडेंटिफाई करने का वो ये है कि एंड करेक्शन इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ये चीज हमने एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी यूज की है, अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो देख लें, ओके। तो फर्स्ट जो अप्रोच होगा ना वो ये वाला होगा, E इज इक्वल टू 0.3d। अब इसमें दो क्राइटेरियाज होते हैं मैडम, पहला ये ए पार्ट कि अगर पाइप एक ही एंड पर ओपन है और दूसरा एंड उसका क्लोज है तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डिस्क्रिप्शन आएगा v डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ l प्लस 0.3d। ये एक अप्रोच हो गया इसका। और इसका बी केस ये होता है कि अगर पाइप दोनों एंड्स पर ओपन है तो जारी बात है हमको एंड करेक्शन दो बार करनी चाहिए, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखेंगे तो आंसर आएगा v डिवाइडेड बाय 2 l प्लस, बहुत अच्छे से ध्यान दें, 0.6d। आप सोच रहे हैं 0.3 की बजाय 0.6 क्यों आया, क्योंकि यहां देखिए फॉर्मूले में क्या है 2e, e तो इतना ही रहेगा,
अब ये दो बार करेक्शन करनी पड़ती है हमको ऊपर और नीचे के लिए, इसलिए दो बार यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 इंटू 2 दैट विल बिकम 0.6D. गॉट द पॉइंट? यस यस सर. ओके, अब आते हैं इसके सेकंड अप्रोच पर कि एंड करेक्शन हम दूसरे मेथड से कैसे निकालें. बड़ा सिंपल सा तरीका होता है दूसरा मेथड क्या है देखो, जिसमें हमें डायमीटर की कैलकुलेशन इस्तेमाल नहीं करनी है. वी विल नॉट बी यूजिंग द फैक्टर ऑफ डायमीटर. जस्ट ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग पाइप्स हैं, दो डिफरेंट पाइप्स हैं. नाउ यू मे हैव द पाइप ओपन एट वन एंड, यू मे इवन हैव द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. तो चलो मैं पहले आपको वन एंड वाले पाइप का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं. इस पाइप की लेंथ L1 है और इसमें जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो N1 है, इमेजिन करते हैं. और मेरे पास एक और पाइप है, दूसरा पाइप है बिल्कुल डिफरेंट डायमीटर, सॉरी बिल्कुल डिफरेंट लेंथ का. मैं ये कह सकता हूं कि इसका लेंथ L2 है और इसमें जो मैंने फ्रिक्वेंसी बनाई है वो N2 है. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. यहां पर हमें ये नहीं सोचना है N1 N2 फंडामेंटल है या N1 N2 फर्स्ट ऑर्डर होना है सेकंड ऑर्डर होना है ये वो, ऐसे कुछ नहीं. हमें बस ऐसे सोचना है कि दो अलग अलग पाइप्स के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, दो डिफरेंट पाइप्स यूज कर रहे हैं याद रखना, और हम दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं. तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैं N1 ये फ्रीक्वेंसी कैसे लिखूं. तो आंसर आएगा V डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ L1 प्लस E. और उसी तरीके से सेकेंड पाइप की फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे लिखूं, तो आंसर आएगा V डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ L2 प्लस E. क्योंकि मैंने आइडेंटिकल डायमीटर वाला पाइप इस्तेमाल किया है, सिर्फ लेंथ अलग है और फ्रीक्वेंसी अलग है. ठीक है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं V का मॉडिफिकेशन कैसे करूंगा. 4 टाइम्स ऑफ N1 L1 प्लस E, और ये वाली इक्वेशन एडजस्ट करता हूं तो V के लिए मैं इक्वेशन लिख पाऊंगा 4 टाइम्स ऑफ N2 L2 प्लस E. अब यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम है या वेलोसिटी ऑफ वेव्स जो है यहां पर भी सेम है, तो ये V और ये V कंपेरेबल होने चाहिए, इनफैक्ट इक्वल होने चाहिए. तो सिंपली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे मिलता है 4 टाइम्स ऑफ N1 L1 प्लस E इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ N2 L2 प्लस E. यहां से ये 4, यहां से ये 4 कैंसिल हो गया. N1 L1 प्लस N1 E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 E. N1 E माइनस N2 E इज इक्वल टू, मैं बस रीअरेंज कर रहा हूं, N2 L2 माइनस N1 L1. E को मैंने कॉमन ले लिया, N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइडेड बाय, आपने देखा आंसर आया N1 माइनस N2. तो ये जो डेटा हमको यहां मिलेगा, अवेलेबल होगा, कि पहले पाइप में फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेंथ कितना है, दूसरे पाइप में फ्रीक्वेंसी कितनी है और लेंथ कितना है, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसका, तो हमें एंड करेक्शन का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इजीली मिल सकता है. तो ये सेकंड अप्रोच है. गॉट द पॉइंट? यस यस सर. हाँ, अब एक पॉइंट ये भी आता है कि सर क्या होगा अगर दोनों पाइप्स जो हैं आपने ओपन एंडेड इस्तेमाल किए, तो इसमें आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए एक पाइप मैंने यूज किया, पहला वाला जो ओपन एंडेड पाइप है, लेंथ L1 है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N1 है, और दूसरा पाइप मैं डिफरेंट लेंथ का इस्तेमाल करता हूँ, लेंथ L2 है और फ्रीक्वेंसी N2 है, हाउएवर डायमीटर मुझे सेम रखना है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं पहले पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख पाऊंगा, N1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस 2E. ध्यान से देखें इस बात को, फॉर्मूला सही से लिख पाए, V डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L2 प्लस 2E. तो यहां अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ N1 L1 प्लस 2E, V इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N2 L2 प्लस 2E. दोनों VV का कंपैरिजन फिर एक बार उसी वे में करें जैसे अभी अभी आपने किया था. सो दिस विल टर्न आउट टू बी 2N1 L1 प्लस 2E इज इक्वल टू 2N2 L2 प्लस 2E.
थोड़ा सा सिर्फ सॉल्यूशन रिक्वायर है, टू फैक्टर यहां से कैंसिल आउट कर दिया आपने, एन वन एल वन प्लस टू टाइम्स ऑफ एन वन ई इज इक्वल टू एन टू एल टू प्लस टू टाइम्स ऑफ एन टू ई, टू टाइम्स ऑफ एन वन ई माइनस टू टाइम्स ऑफ एन टू ई इज इक्वल टू एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन, रीअरेंज किया। ई को बेटा मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो अगर मैं ई को कॉमन ले लेता हूं तो एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन डिवाइडेड बाय टू को भी कॉमन ले लेता हूं ब्रैकेट के लिए एन वन माइनस एन टू। तो ये बात नोटिसेबल है कि अगर पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स है तो उसकी एंड करेक्शन ऐसी आ जाएगी, बट यहां पे ख्याल रहे कि हमें दो डिफरेंट लेंथ्स और दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करना है, पाइप का डायमीटर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला पाइप आपने ले लिया, एक लेंथ L1 का और दूसरा लेंथ L2 का, अगर दोनों एंड्स ओपन है तो ये फॉर्मूला, और अगर दोनों एंड्स मतलब एक एक एंड ओपन है तो ये फॉर्मूला है। तो ये सेकेंड अप्रोच है जिससे हम एंड करेक्शन निकाल सकते हैं। एक तो बिल्कुल सीधा सीधा मेजरेबल अप्रोच है, लैब कोर्स में हमने इस चीज को किया भी है, E is equal to 0.3D बाकायदा हम मेजर कर लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। बट सपोज इफ वी डू नॉट वांट टू मेजर और वी डू नॉट हैव एनी मींस टू मेजर, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट? यस, क्लियर, बात समझ आ रही है ना? यस सर। अब एक तीसरा अप्रोच भी है इसमें जो बड़े काम का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पहले या दूसरे अप्रोच पर नहीं है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो तीसरे अप्रोच पर बहुत ज्यादा पूछे गए। तीसरे अप्रोच में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे समझाने से पहले मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि थोड़ा सा ट्रिकी है, अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब आप सब जानते हो, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी का सेम होना, फ्रीक्वेंसी बिकमिंग आइडेंटिकल इन अ गिवन सिचुएशन। किसी गिवन सिचुएशन में अगर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो जाती है तो उसे हम टर्म करते हैं या उसे हम कॉल करते हैं रेजोनेंस। व्हाट माय पॉइंट? Yes or no? Yes, sir. अब मान लेते हैं, ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप में क्या है कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है। इमेजिन करते हैं ऐसे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, सो यू मे कंसिडर दिस एज पाइप ओपन एट वन एंड। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क होल्ड कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लैब कोर्स में करते हैं। अब जब मैंने इसके ऊपर ट्यूनिंग फोर्क होल्ड कर लिया तो एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ एयर कॉलम ऐसी आती है जब इस लेंथ कॉलम की फ्रीक्वेंसी और इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, इक्वल होती है, उसे हम कॉल करते हैं रेजोनेंस, या उसी चीज को हम कॉल करते हैं यूनिसॉन। तो बेटा हुआ ये कि किसी सर्टन लेंथ के लिए, ठीक है ध्यान से सुने, किसी सर्टन लेंथ के लिए L1 पहली बार इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई। ठीक है, पहली बार, गौर से सुने मेरी बात, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप नहीं तो, पहली बार इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई। तो ऑब्वियस बात है, पहली बार अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई है तो यहां पे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बना होगा, और बेटा अगर यहां फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बन रहा है तो ये हल्का सा ऐसे बाहर भी अगर मैं दिखा दूं इसको, तो ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक का, तो मैं तो इसको लिखूंगा लैम्डा बाय 4, और ऑब्वियस बात है यहां पर ये जो एक्स्ट्रा लेंथ मुझे मेजर करनी पड़ेगी ये वाली, मैं इसको लिखूंगा एंड करेक्शन। सो इस सिचुएशन में मेरा क्लेम होगा L1 प्लस E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, क्लियर, इसे हम कॉल करेंगे फर्स्ट रेजोनेंस। इज इट ओके? जस्ट रिस्पॉन्ड इट क्विकली, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर यहां से आते हैं, बाकी तो क्या खाली फॉर्मूला याद रखना है एंड करेक्शन का, यहां थोड़ा कंसेप्ट है।
क्लियर हो गई बात ये? यस सर। अब गौर से सुनना, अब मान लो कि इसी पाइप में का हमने थोड़ा सा पानी बाहर निकाला, सेम पाइप सेम डायमीटर सेम सिचुएशन है, एवरीथिंग सेम, लेकिन थोड़ा पानी हमने खाली कर दिया इसमें, या ऐसे कह लो कि लेंथ ऑफ द पाइप या लेंथ ऑफ द एयर कॉलम को हमने इंक्रीज किया, और सरप्राइजिंगली मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि फिर एक बार ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और पाइप की फ्रीक्वेंसी मैच करी। ऐसा हो सकता है, ठीक है, पहले तो ये अपने दिमाग में उठाएं कि ऐसा हो सकता है कि पहली बार रेजोनेंस हुआ, यानी कि पहली बार फ्रीक्वेंसी मैच हुई, बाद में भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, या फिलहाल तो ऑर्डर के हिसाब से बोलूंगा तो दूसरी बार मैच हुई। हो सकता है कि इस बार जो करस्पॉन्डिंग लेंथ आ रही है वो L2 आ रही है, मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी अभी भी वही ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मैच हो रही है। अब हमारे मन में डाउट आने लग जाएगा, अरे अभी अभी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी, आप दोबारा कैसे मैच हुई? तो बेटा जो सेकंड लेंथ हमको मिल रही है ना, हो सकता है कि उस सेकंड लेंथ का फर्स्ट ओवर टोन इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करा हो। फंडामेंटल तो मैच नहीं करेगा क्योंकि फंडामेंटल तो इस लेंथ के लिए मैच कर चुका है। अब इस लेंथ के लिए हो सकता है कि फर्स्ट ओवर टोन या सेकंड ओवर टोन या थर्ड ओवर टोन या कोई हायर वैल्यू इस लेंथ की फ्रीक्वेंसी की इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मैच कर गई हो। इस बात को जरा आप अच्छे से कंफर्म करें कि आपको समझ में आई ये बात। यस, ये जो पहली लेंथ हमको मिली थी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई है, बात क्लियर। अब थोड़ा सा वाटर यहां से हमने खाली कर दिया, लेंथ बढ़ाई, तो एक्सपेरिमेंटली हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि फिर एक बार ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। अब मन में हमारे डाउट आने लग रहेगा कि अभी अभी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी, तो क्या इस लेंथ की भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैच होगी क्या? सोचो तो, नहीं ना, अभी अभी तो इस लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैच हुई, अब ये लेंथ अलग है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। इसका मतलब यह है कि इस लेंथ की कोई हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी अब ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में आ गई होगी, या अब ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यूनिसॉन में मैच करते हुए आ गई होगी। समझ आ रहा है बेटा? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर। आ रहा है तो भी बोले, नहीं आ रहा है तो भी बोले। प्लीज डू नॉट हेजिटेट, बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे, ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। ओके, थैंक यू। ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेंथ के साथ रेजोनेंस में चली जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ख्याल करने वाली बात है इस लेंथ की फंडामेंटल अगर मैच हो गई है तो इस लेंथ की फंडामेंटल मैच नहीं होगी, कुछ हायर वैल्यू मैच होगी। तो लेट मी टेक अ कंसिडरेशन कि इसका फर्स्ट ओवरटोन मैच कर गया होगा, ऐसे ही मैंने कंसिडरेशन लगाया कि इसका ना फर्स्ट ओवरटोन मैच कर गया होगा यहां, तो ये ऐसे इधर एक नोट लाइक दिस इसका फर्स्ट ओवरटोन मैच कर गया होगा, और ऑब्वियस बात है यहां पे ये हल्का सा ऐसे ऊपर भी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर फर्स्ट ओवरटोन कैसे क्या मैच कर रहा? देखो सिंपल बात है, ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी जब भी मैं लिखता हूं तो V अपॉन 4L आता है, आगे चलो ये भी आएगा, चलो अलग बात है। आप सोचो फ्रीक्वेंसी और लेंथ कैसे हैं, बोलो जल्दी 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 से बोलो बेटा, दोनों कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यस सर। यस सर। यहाँ की लेंथ बढ़ रही है, L1 के मुकाबले में L2 ज्यादा है, आया ना? L1 के मुकाबले में अगर L2 ज्यादा है तब भी ये इसके साथ मैच करती है, इसका मतलब हायर ओवरटोन लेना पड़ेगा,
फंडामेंटल से तो नहीं मैच होगा, हायर ऑर्डर टोन देना पड़ेगा, गॉट द पॉइंट? अच्छा वो हायर ऑर्डर टोन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ओवर टोन हो सकता है सेकंड हो सकता है थर्ड हो सकता है फोर्थ हो सकता है फिफ्थ हो सकता है कुछ भी हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेकंड का यूज कर रहा हूं। अब यहां एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला E, और ये मेजरमेंट आप एज यूजुअल करोगे यहां पे, यहां से लेके यहां तक ये वाला गैप कितना हो गया लैम्डा बाई फोर, और फिर ये वाला जो गैप हो गया ये हो गया लैम्डा बाई टू। अब कैलकुलेशन क्या लिखोगे आप? L2 plus E is equal to, बोले जल्दी से, L2 plus E is equal to lambda by 2 plus lambda by 4। थोड़ा सा सॉल्यूशन रिक्वायर है। L2 plus E is equal to 3 lambda by 4। Got the point? Yes, sir. अब ये जो इक्वेशन आपको मिली ना, इसे वन कॉल करो, ये इक्वेशन आपको मिली से सेकंड कॉल करो, और यहां पे मैं आपको लिख देता हूं कि भाई ये सेकंड रेजोनेंस है, मतलब अगली बार फिर फ्रीक्वेंसी मैच हुई इसलिए उसे सेकंड रेजोनेंस कहा जाएगा। अब सिंपली इक्वेशन वन और टू का सब्सट्रैक्शन कर दो, ठीक है, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन सब्सट्रैक्शन करें। तो इक्वेशन टू क्या है हमारी, एल टू प्लस ई माइनस L1 plus E is equal to 3 lambda by 4 minus lambda by 4. I hope you're getting it right. Subtraction pura hua. L2 minus L1 is equal to, kya answer aayega? Lambda by 2. Isse hume pata chalega ke lambda is equal to 2 times of L2 minus L1. Got the point? Is it okay? Yes, sir. Let's call this particular as equation number 3. अब equation number 3 को आप चाहो तो 1 में substitute करो, चाहो तो 2 में substitute करो, as you wish. तो मैं फिलहाल 1 में substitute करता हूँ. Equation 3 substituted in equation 1. Equation 1 अपनी ये है, L1 plus E is equal to lambda by 4, और lambda की value ये है. तो इक्वेशन कैरी हो रही है L1 plus E is equal to lambda by 4, यानी के 2 times of L2 minus L1 divided by 4. अच्छा ये 2 और ये 4 कटा 2 हो गया, ये 2 दूसरी तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2L1 plus 2E is equal to L2 minus L1, ठीक है, 2E is equal to L2 minus L1 minus 2L1, 2 is equal to L2 minus 3L1, E is equal to L2 minus 3L1 divided by 2. आ रहा है समझ में? तो यहां से हमको एंड करेक्शन लिखने की पॉसिबिलिटी मिल गई। ओके विद दिस? यस सर। अब इसको समझाते हुए मैं आपको कुछ बड़े सिंपल से क्वेश्चन करवाता हूं यहां पे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन देखो, उससे पहले एक छोटी सी बात देखो, ये जो L2 है और ये जो L1 है इसका एक इंटरनल कंपैरिजन यहां पे आना चाहिए। L2 जो है ना वो 3L1 से ज्यादा होना चाहिए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट की थीम या इस पूरे एक्सपेरिमेंट की कंडीशन ये होनी चाहिए कि L2 शुड बी ग्रेटर देन 3L1। अब ऐसा क्यों बताओ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो E का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और E का आंसर कभी भी नेगेटिव, बोलो, नहीं आना, नहीं आता है, ठीक है। तो इस वे में अगर हम एंड करेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम एक ही फ्रीक्वेंसी को अलग अलग लेंथ की ओवरटोन्स के साथ मैच कराते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम। जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए आप सभी के, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्या है। देखो क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम फॉर फंडामेंटल मोड इन रेजोनेंस ट्यूब इज 16 सेंटीमीटर।
तो ये L1 है 16 सेंटीमीटर एंड दैट फॉर द सेकेंड रेजोनेंस तो ये L2 है 50.25 सेंटीमीटर. ऑब्वियस बात है तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि L2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ L1 से ज्यादा है. अब हमें एंड करेक्शन निकालना है और पाइप का डायमीटर निकालना है और साथ साथ हमको पाइप का डायमीटर भी निकालना है. अब आप मुझे बताएंगे एंड करेक्शन का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा. L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2 खत्म डन. ऐसा क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा चुका है सेकंड रेजोनेंस की कंडीशन, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, उनके दिमाग में एक ही बात बैठी है यार लेंथ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्यों मैच कर रही है. बेटा लेंथ जरूर चेंज हो रही है लेकिन बड़ी लेंथ की हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी उसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ दोबारा रेजोनेंस में आ रही है, क्योंकि लेंथ जितनी बढ़ेगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी छोटी आएगी और उसी बड़ी लेंथ की हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम उसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में आ जाएं. अब जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है. L2 50.25 माइनस 3 × 16 डिवाइडेड बाय 2 टेल मी व्हाट इज द आंसर. 26.25 फाइनली. नहीं मुझे नहीं लग रहा है ऐसा 26.25 आएगा. सॉलिड केयरफुली केयरफुली सॉल्व करो. 16 × 3 कितना होगा. 48 और 50 में से माइनस करो ना, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है आंसर. और फिर माइनस होने के बाद डिवाइडेड बाय 2 भी तो करना है. Yes. 1.125 सेंटीमीटर. दैट मे बी अ करेक्ट चॉइस. अब इसका इस्तेमाल करके मैं डायमीटर निकाल सकता हूँ. ते बेटा हमने ये सीखा ना कि एंड करेक्शन ऐसे भी लिखी जा सकती है 0.3d. तो डायमीटर कितना हुआ, एंड करेक्शन डिवाइडेड बाय 0.3. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ दिस एंड करेक्शन, सब्स्टिट्यूट करो आंसर निकालो. क्या खास बात है. ठीक है ना. एक और देखते हैं इसमें. रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेट कर रहा है एयर कॉलम के साथ. तो पहली लेंथ बताया इसने, कितनी लेंथ बताया भाई पहली वाली 10 सेंटीमीटर. अगेन रेजोनेट, दूसरी लेंथ बताया कितनी लेंथ 32.2 सेंटीमीटर. एंड करेक्शन निकालो और साथ साथ लैम्बडा भी निकालो ये बोल रहा है. चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं. एंड करेक्शन, अब फॉर्मूला तो रटा रटाया होना चाहिए भाई, बताओ. L2 माइनस 3L1 बाय 2 एंड करेक्शन इज इक्वल टू 32.2 माइनस 3 × 10 डिवाइडेड बाय 2. व्हाट इज एंड करेक्शन. 1.1 सेंटीमीटर. अब फर्दर ऑन हमसे ये पूछ रहा है कि लैम्बडा भी निकालो, तो कोई खास बात नहीं है. आप देखो L1 plus E should be equal to lambda by 4 in the first situation. अगर पहली सिचुएशन देखोगे तो L1 plus E is equal to lambda by 4. For the point, L1 तो 10 है, plus E अभी अभी निकाला 1.1 is equal to lambda by 4. Calculation पूरा करिए, बताइए क्या lambda आएगा. 44.4. 44.4. Okay, I'll be searching for another such question. Notes में अगर है तो मैं वो भी ले देता हूँ आपको. 44.4 सेंटीमीटर. जहां तक मुझे याद आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन जेई में पूछा गया है. नाउ इट्स वेरी सिंपल टू गो फॉर. आई डोंट थिंक इसमें भाई हमें कुछ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. ओके okay?
चलिए ठीक है, ये जनरलाइजेशन समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मेरे मन में एक और डाउट आने लग रहा है कि अगर समझो हमने एक और बड़ी लेंथ का इस्तेमाल किया L3, तो उस L3 के लिए तुम इक्वेशन क्या लिखोगे? L3 plus E is equal to क्या लिखोगे? थोड़ा सोचना इस पे, क्योंकि उस L3 लेंथ का और अगला हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड ओवरटोन देखनी पड़ेगी उसकी, और सेकंड ओवरटोन देखने का सीधा सा मतलब है कि दो लूप और आधा लूप बनाना चाहिए, है ना? खैर इतना आगे नहीं जाता है यूजुअली, फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इस फॉर्मूले को कभी भी रैंडम सिचुएशन में इस्तेमाल करिए, यू मे गेट योर आंसर करेक्ट। सो दीज आर द वेज इन विच वी कैन इवेल्युएट द पोजिशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड करेक्शन। तीन अलग अलग मेथड्स मैंने आपको बताए, डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालो, या डिफरेंट पाइप्स विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से निकालो, या सेम पाइप विथ डिफरेंट रेजोनेंस कंडीशन से निकालो आप। ओके, तो ये तीनों तरीके से हम एंड करेक्शन को फिगर आउट कर सकते हैं।